ओम शांति। आज आपके सामने प्रस्तुत है कोलकाता की ब्रह्मा कुमारी सौभाग्य बहन का स्वकथित अनुभव। यह अनुभव ज्ञानामृत से लिया गया है। अनुभव शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपके भी परमात्मा के साथ के कोई चमत्कारी अनुभव हैं जो आप हम सभी को बताना चाहते हैं, तो कृपया आप हमें अपना अनुभव इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। चलिए सुनते हैं सौभाग्य बहन का अनुभव। जब मैं ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ी, उस समय सिर्फ शिव बाबा की लाइट ही सेवा केंद्र पर लगी हुई होती थी। ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं लगाया जाता था। शिव बाबा की लाइट को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे सच में भगवान हमें मिल गए हैं। मुझ पर शिव बाबा का नशा चढ़ गया था। मुझे सेवा केंद्र, मुरली और ज्ञान अमृत के सिवाय कुछ भी सूझता ही नहीं था। ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बहुत सी अच्छी बातें सुनी तो मन में ब्रह्मा बाबा से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी। सब कहते थे भगवान धरती पर आए हैं, यह जानकर सृष्टि पर आए हुए भगवान से हम कैसे मिले, दिन प्रतिदिन यह तड़फन बढ़ती जाती थी। परमात्मा को याद कर परमात्म प्यार से अश्रु धारा बहती रहती थी। मैं योग में बैठकर शिव बाबा से कहती कि यदि आप इस सृष्टि पर आए हैं तो मैं आपकी करामात तब मानूंगी जब मैं ब्रह्मा बाबा से सम्मुख मिलूंगी। यदि मैं ब्रह्मा बाबा से नहीं मिल पाई तो इसका मतलब है कि आप इस धरा पर आए ही नहीं। और इस बात को शायद कुछ दो एक हफ्ते ही हुए होंगे कि वह दिन आ गया जब मैं राजस्थान माउंट आबू गई। आने से पहले मैंने ब्रह्मा बाबा के नाम से एक पोस्ट कार्ड लिखा और अपने आने का दिन बताया और लिखा कि बाबा, हम कुछ लोग आबू आ रहे हैं, आप किसी भाई को स्टेशन पर हमें लेने भेज देना। आखिरकार ब्रह्मा बाबा से माउंट आबू में मिलना हुआ। मिलकर हम धन्य धन्य हो गए। ब्रह्मा बाबा से मिलने से पहले मैं मन में विचार करती थी कि ब्रह्मा बाबा कोई गेरुए वस्त्रधारी साधु सन्यासी जैसे होंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो घर के नाना दादा जैसे होते हैं, ऐसे गोरे गोरे सेठ की तरह लगते थे ब्रह्मा बाबा। उनके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती थी। मैं एक सप्ताह वहां पर रही, ब्रह्मा बाबा के साथ नाश्ता किया, खाना खाया, झूले में झूले। जब कभी मैं ब्रह्मा बाबा के सामने जाती थी, बाबा एक ही शब्द बोलते थे, बहुत अच्छी मीठी बच्ची है। मैं तो खुशी के मारे गुब्बारे की तरह फूल जाती थी। जब मेरा वापस आने का समय हुआ तो ब्रह्मा बाबा बरगद के पेड़ के पास मुझे छोड़ने के लिए आए। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। दिल बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी विदाई हो रही है और मैं अपने पिता का घर सदा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। ब्रह्मा बाबा मेरी नाजुक स्थिति को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अपना मुंह घुमा लिया ताकि मैं दुखी हुए बिना हल्की होकर जाऊं। कुछ समय बीता और मेरा पुनः सेवा के लिए आबू आना हुआ। वहां 3 महीने खाना खिलाने की सेवा की। मैं रोज बाप दादा की मुरली सामने बैठकर सुनती थी और शिव बाबा का अंगूष्ठाकार ज्योति स्वरूप ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर देखती थी। ये कभी भी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया है ना बच्चे, वो गई है भुला देती है। अगर माया न भुला ले तो खुशी रहे मत। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा को पाकर अब मेरे जीवन में और कुछ चाहना बची ही नहीं थी। बस मुझे अपने पर इतना गुमान होता था कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ और मैंने पिछले जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए जो इस जीवन में मुझे भगवान का सत्य परिचय मिला, उनके सम्मुख रहने का मौका मिला। समय का पहिया घूमता रहा। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उस समय मैं नेपाल के विराटनगर सेंटर में थी। बाबा को भोग लगाया गया, तब ब्रह्मा बाबा ने अपने बदले हुए पार्ट के सब राज खोले। उसके बाद 1 से 2 दिन बाद अव्यक्त ब्रह्मा बाबा आते थे और हमें अपनी पालना देते थे। एक बार हिस्ट्री हॉल में दिन में 11 बजे अव्यक्त बाबा आए हुए थे।
मैं बस बाबा को निहार रही थी और अचानक मेरे दिल में एक बात आई कि मैं जीरो पावर का बल्ब हूँ और बाबा हजार पावर के बल्ब हैं, कि एकाएक बाबा के मुख से पहला अव्यक्त महावाक्य उच्चारण हुआ। अपने बल्ब की पावर देखी है, कितने पावर का बल्ब है। फिर तो मैं मुरली में खो गई। मुझे पूरा निश्चय हो गया था कि हाँ, भगवान मुझे मिल गए हैं। जब भी दिल से परमात्मा को याद करती हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे पास ही खड़े हैं। अब जब भगवान मिल गए हैं तो मैं और क्या मांगू। हम सभी ब्राह्मण बच्चे परमात्मा के वरदानों की पालना से पल रहे हैं। अव्यक्त बाबा, दादी, दीदियों की छत्र छाया में श्रीमत पर हमें अपना कदम आगे बढ़ाते जाना है। ओम शांति।